लोकसभा चर्चा कर रही है महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक संबंधित बिल पर। हम बात करें कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन जी से। रंजीत जी, कांग्रेस का और आपका पर्सनल व्यू क्या है इस पूरे? देखिए, पर्सनल व्यू तो ये है कि मैंने बहुत गौर से स्टडी करा, इवन कुरान के उन पैरों को पढ़ा जो मूसा, मैं पेज नंबर भूल रही हूँ, उसमें जो प्रोसेस है तलाक का, उसमें पूरे 90 दिन है। 90 दिन से पहले भी 5 स्टेप हैं कि आपस में आप सुलह करें। एक बार आप उसकी अच्छी बुरी आदतों को इग्नोर करके अच्छी आदतों को देखें, फिर है आप बिस्तर से अलग अलग कर लें, फिर है कि दोनों पेरेंट्स में से बुला के सुलझाने की कोशिश करें, फिर है कि चौथी बार भी समझाएं, 6वीं बार में आपको एक बार देना है और उसके बाद 3 महीने तक साथ रहना है। उसमें अगर उसमें आपको विद इन रिलेशन बनता है तो वो प्रोसेस दोबारा से शुरू होना है। तो मुझे लगता है अगर सही में आप मुस्लिम महिलाओं के हमदर्द थे तो आप कुरान में जो दिया गया है कि ये प्रोसेस है तलाक देने का, तो इट मीन जो अवेयर नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं, आप उसी को क्यों नहीं कानून बना दिए? आप उसी लॉ को लेके आ जाते तो मुझे नहीं लगता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इतना चलता और वो जेन्युइन होता। अभी आपने क्या किया है, आप एक तो परसेंटेज बहुत ही लेस है, कंपेयर करेंगे आप डॉरी का और दहेज प्रथा का, वो बहुत ज्यादा है। कानून बना लेकिन फिर भी मिसयूज भी हो रहा है और उसका डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अगर जो आप कानून ला रहे हो और इतना हल्ला कर रहे हो कि ये महिलाओं का हमदर्द है, मुआवजा आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट तय करेगा, जमानत उसको मिलेगी मजिस्ट्रेट तय करेगा, तो आपने बिल में क्या किया है? सिर्फ उसको क्रिमिनलिज्म की तरफ लेके गए हैं। ये सिविल केस है, मियां बीबी का झगड़ा है। मुझे लगता है इनके इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की है और ये शो करना है कि देखो हिंदू मुसलमान जो है वो कोर्ट में नहीं जाना चाहता है या वो लॉ को नहीं मानना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में ये लॉ है ही नहीं महिलाओं के लिए। अब ये कानून अगर पास हो जाता, ये बिल पास हो जाता, तो मुस्लिम महिलाओं को कितनी लिबर्टी मिलेगी, कितना सशक्तिकरण? नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। एक तो आप बहुत कमजोर महिलाएं, और दूसरा बहुत रेयर केस में, अब ऐसे जो मर्द होते हैं वो हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है, पंजाबी में भी सिख है, कोई नशेड़ी है, कोई आवारा है, कोई किसी के साथ रिलेशन में है, वो आदमी अगर ऐसा कर रहा है और आप जबरदस्ती उसकी वाइफ को कह रहे हैं उसके साथ रहने के लिए, वो कितने दिन उसके साथ रहेगी और कितना वो उसका फर्ज निभाएगा? क्या गवर्नमेंट उसके घर में जाके घुस के देखेगी? तो सदन में भी आप जो 18 अमेंडमेंट आपने सुझाए थे उस पर जोर दोगे दोनों सदनों में? दे बिल्कुल, मैं देखिए ये एक्चुअली मैं तो ये कानून में कुछ है ही नहीं। आपने अमेंडमेंट क्या किया है कि अब उसकी बेल हो सकती है, तो ये भी महिला के पक्ष में नहीं है। दूसरा, आप उसको क्रिमिनलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति जेल में है वो क्यों देगा मुआवजा? मुआवजा भी गवर्नमेंट तय नहीं कर रही है, या अपनी तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कि कितनी प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी है तो मिलेगा, मजिस्ट्रेट तय करेगा। तो मजिस्ट्रेट तो बहुत सारे काम तय करते हैं, प्रशासन बहुत सारे काम तय करते हैं, और 90% वहां पे करप्शन है। यानी इनका कहना है कि इसमें सुधार तो हो लेकिन आपराधिक रास्ते से नहीं, सिविल के रास्ते से।